इमाम शामिल कल दी गल है, इमाम शामिल ऐ चेचनिया दे मुसलमान सदर ने ऐलान किया, उन्हें कहा मेरे मुल्क कोई वहाबी इस जैसा बंदा ना आवे मेरे मुल्क। आज भी उस बाबे की इतनी गैरत है, दुनिया तो चला गया नक्शबंदियां दा इमाम, उसके सदर ने ऐलान किया साढ़े मुल्क च दाखिल नहीं हो सकता। हाँ जी, आज भी वो टैंकों के उत्ते डंडे लैके चढ़ जाते उन्होंने मुरीद, आज भी वही आपने निजामे मुस्तफा नाफिज किया, राती घर वापस आए, वापस जो आए तो आप दी वालदा बिल्कुल बुढ़ी जईफ एंज उन्होंने हाथ कम दे सन, उन्हें क्या पुत्रा आ गए, उन्हें क्या आ गया, उन्हें क्या मेरी गल फलाने फलाने बंदे तुसी नपे नपे माई उरी वड्डे वड्डे लोग आते उन्होंने कोई मामा आके रोई भी होनी माई को, उन्हें क्या मेरी सिफारिश है उन्होंने छड़ दो। आपने चुप करके सुन ली गल, सवेरे हुई तो आपने उलमा भी बुला लै, काजी भी बुला लै, मुफ्ती भी बुला लै, सारा मजमा ला लिया। फरमाया दसो जी मेरा एक शरी मसला है, मेरा हल करो। शेखे तरीकत किसी का एक महला मुरीद होता, किसी का एक शहर होता, वह पूरा मुल्क मुरीद है बाबे का। आपने फरमाया मेरा एक मसला है, उन्हें कहा जी की? फरमाया कोई गलत बंदे का सिफारिश करे उसकी सजा के वे, सिफारिश उन्होंने अम्मी ने की हुई सी, पीर भी सन, पीरे तरीकत भी सन, नाल बादशाह भी सन, खलीफा भी सन, उन्हें कहा जी इतने कोड़े मारो। आपने फरमाया दूसरा मसला है कि मेरा वो जो बंदा है वो कोड़े खाने के काबिल ना हो तो फिर की सजा है, उन्हें कहा वह करीबी बंदा खावे। लखां अपने मुरीदां दे सामने, काजियां मुफ्तियां दे सामने आपने कमर तो कमीज उठाई, फरमाया मेरी मां ने गलत सिफारिश की थी, वो कोड़े खाने के काबिल नहीं, मैनू मारो।